जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो केसरिया समंदर तमिलनाडु से मेरा रिश्ता राजनीति का नहीं है, ये रिश्ता दिल का है और दशकों पुराना है। सियासत के रामपथ में आज हम करेंगे पड़ताल कि राम की भक्ति में वोट की कितनी शक्ति है, सनातन का संकल्प जीत की कितनी बड़ी गारंटी है, और आखिर मोदी के रामपथ से विजय पथ कैसे सुनिश्चित होगा। सियासत के रामपथ के इस एपिसोड में अयोध्या, चित्रकूट, कर्नाटक के बेलगावी, हम्पी से होते हुए हम पहुंचे हैं दक्षिण भारत के रामेश्वरम, जिसका प्रभु श्री राम से गहरा नाता है, जहां पड़े प्रभु श्री राम के चरण और पूरा हुआ पीएम मोदी का प्रण। जिस तरह पीएम मोदी ने 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामायण से जुड़े तीर्थों के दर्शन किए, वो सनातन का सबसे बड़ा अध्याय बना। 2024 के चुनाव में सत्ता के महासंग्राम में रामेश्वरम का क्या महत्व है, ये आज हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सियासत के रामपथ की ये यात्रा। नमस्कार, वणक्कम, मैं हूँ अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का चुनावी खास पेशकश सियासत का रामपथ पे, और आपका स्वागत सीधे रामेश्वरम से। रामेश्वरम जो दक्षिण का प्रभु श्री राम का पावन स्थल है, करोड़ों सनातनियों का आस्था का केंद्र है। दक्षिण में तमिलनाडु और तमिलनाडु में रामनाथपुरम जिले में स्थित रामेश्वरम, मेरे ठीक पीछे आपको भगवान शिव का रामेश्वरम मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है वो आपको नजर आएगा। और यहाँ पर आने का मकसद सियासत के राम पथ में बेहद खास है। देखिए, वही जगह है जहां पर और जिसका उल्लेख रामायण में भी किया गया है, ये वही जगह है जहां पर प्रभु श्री राम ने भगवान शिव की पूजा की थी, जब उनको विजय श्री की प्राप्ति चाहिए थी, जब वो लंका पर चढ़ाई करने वाले थे तब भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। और देखिए, ये वही जगह है जहां पर हनुमान के साथ, वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की पूरी रणनीति के साथ साथ राम सेतु का निर्माण किया गया था। और ये वही जगह है जहां से भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई कर लंकेश का वध किया। उत्तर से दक्षिण तक कण कण में राम, जहां जहां गए श्री राम वहां पहुंचे देश के प्रधान। कथाओं में सुना है, आज साक्षात दर्शन कीजिए रामेश्वरम धाम के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम, जो सियासत के रामपथ का सबसे अहम और आखिरी पड़ाव है। चेन्नई से 550 किलोमीटर दूर दक्षिण में रामनाथपुरम जिले में स्थित ये धाम हिंदू आस्था का बड़ा केंद्र है, जो 4 धामों में से एक है। लोगों की आस्था और श्रद्धा का समागम लिए ये वो धाम है जो उत्तर में काशी विश्वनाथ धाम की है। समुद्र तट पर स्थित गंधमादन पर्वत पर विराजमान है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग स्थापित होने की कथा रामायण काल से जुड़ी है, जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण किया। लंका पर चढ़ाई करने से पहले श्री राम ने खुद के हाथों से शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा की। जिस शिवलिंग को प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से बनाया था उसमें महादेव ज्योति के रूप में विराजमान हुए। इसके बाद ये रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कथाओं में वर्णन है कि तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के रामेश्वरम में स्थित शिव मंदिर का संबंध रामायण से भी है, क्योंकि न सिर्फ यहाँ शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित किया गया था बल्कि भगवान राम और माता सीता ने यहाँ प्रार्थना की थी। लंका विजय और रावण का वध करने के लिए प्रभु श्री राम की वानर सेना ने इसी जगह पर राम सेतु का निर्माण किया, वो राम सेतु जो राम से जुड़ी सबसे बड़ी निशानी है। भगवान राम का 14 साल का वनवास, अयोध्या से रामेश्वरम, ये तमाम बातें
आपको वाल्मीकि रामायण और साथ में रामचरितमानस में देखने को मिलेगी। ये पूरी कथा, ये पूरी कहानी आपको उसमें देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण का मिशन कितना अहम है ये इस बात से पता लगता है कि वो बहस 20 दिन में 3 बार दक्षिण दौरे पर आए और उन 3 बार में उन्होंने मंदिरों के दर्शन भी किए। जब विकास की योजनाएं आगे बढ़ाई तो साथ में लगातार जब जब आए वो मंदिर में गए, मंदिर में दर्शन किए, मंदिर में उनकी संस्कृति से जुड़े। दक्षिण का मिशन, और ये बात साफ है कि प्रधानमंत्री के लिए दक्षिण का मिशन 2024 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और ये बात तो सही है, जब आप किसी के आस्था और संस्कृति के साथ जुड़ाव रखते हैं तभी वो जुड़ाव अटूट होता है, जो प्रधानमंत्री के 2024 के मिशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण। राम सेतु से धनुष कोड़ी, मोदी की राम साधना। करोड़ों राम भक्तों के साथ उस साधक और तपस्वी की साधना भी पूरी हुई जिसने सालों पहले विराट और भव्य राम मंदिर के सपने को साकार करने की सौगंध खाई थी। रामलला सनातन के सबसे बड़े अलौकिक दिव्य और भव्य राम मंदिर में विराजमान हुए, लेकिन अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के भगवान राम से जुड़े मंदिरों में जो पूजा अनुष्ठान किया वो देखकर हर कोई हर्षित हो गया। बाईस जनवरी को ना सिर्फ राम राज्य का उद्घोष हुआ बल्कि पूरा हुआ पीएम मोदी का तप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से ठीक एक दिन पहले तमिलनाडु के धनुषकोडी के उस स्थान पर पहुंचे जहां भगवान राम ने सेतु के निर्माण की शुरुआत की थी। देखिए पीएम मोदी धनुषकोडी पहुंचे और अरिचल मुनाई पॉइंट पर समुद्र की पूजा की। इसके बाद पीएम मोदी ने धनुषकोडी के कोंठडा रामस्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज, उनका चित्रण सनातन के ध्वज वाहक के रूप में एस्टैब्लिश हो चुका है। अयोध्या हो, काशी हो, उज्जैन हो या रामेश्वरम के धनुषकोटी में पूजा अर्चना, पूरी दुनिया ने उनको राम भक्ति में देखा, उनको साधक की मुद्रा में देखा। भारतीय जनता पार्टी की सनातन की पताका चारों दिशाओं में लहरा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का विस्तार सनातन में किया। सनातन हिंदुत्व से कहीं आगे है। विपक्ष हिंदुत्व पर घेर सकता है बीजेपी को, लेकिन सनातन पर नहीं घेर सकता, क्योंकि सनातन सर्वजन की बात करता है। गले में रुद्राक्ष की माला पहने हुए पीएम मोदी ने रामेश्वरम के समुद्र तट पर डुबकी लगाई। वहां से वे नंगे पैर ही मंदिर पहुंचे, फिर स्नान किया। इसके बाद पीएम मोदी ने तमिलनाडु के प्राचीन शिव मंदिर रामनाथ स्वामी मंदिर में प्रार्थना की। इस दौरान वे भक्ति में लीन नजर आए। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर रामनाथ स्वामी मंदिर जाने का वीडियो भी शेयर किया और लिखा कि वो ये यात्रा कभी नहीं भूलेंगे। मंदिर कण कण में शाश्वत भक्ति है। पीएम मोदी ने प्रभु श्री राम की तरह ही उनके निशानों पर जहां जहां पूजा अनुष्ठान किया उसका पौराणिक महत्व है। कहा जाता है कि अरिचल मुनाई वो स्थान है जहां से लंका के लिए राम सेतु का निर्माण हुआ था। भगवान राम ने इसी स्थान पर बैठकर समुद्र से रास्ता देने की प्रार्थना की थी। ऐसा बताया जाता है कि अरिचल मुनाई का निर्माण भगवान राम ने रावण से युद्ध करने के लिए लंका जाने के लिए वानर सेना की मदद से किया था। भगवान राम ने 2 दिन तक समुद्र की आराधना की, लेकिन समुद्र देव उपस्थित नहीं हुए। इस पर भगवान राम को क्रोध आ गया। उन्होंने समुद्र को सुखाने के लिए तरकश से तीर निकाला और प्रत्यंचा चढ़ाई ही थी कि समुद्र देव प्रकट हो गए। बाद में यहीं से पुल बनाते हुए राम जी की सेना लंका पहुंची
और रावण का वध कर सीता माता को सुरक्षित लेकर आई। राम के लंका विजय अभियान की सबसे मुश्किल घड़ी थी समुद्र को लांघना। रामेश्वरम में सियासत के रामपद को समझने के लिए पीएम मोदी के लिए केरल और तमिलनाडु साधना सबसे बड़ी चुनौती है। तभी तो पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस गजब का है। दक्षिण का द्वार कैसे पीएम मोदी फतह करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, उसे उनके रैलियों और चुनावी मंच से समझा जा सकता है। कुमारी से देश के इस दक्षिणी छोर से जो लहर उठी है, ये लहर बहुत दूर तक जाने वाली है। मैं तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी एलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के साथ हिंदुत्व को सियासी कामयाबी की कुंजी के तौर पर पहचान मिली। इसके बाद विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी ने इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। बीजेपी की लगातार जीत के बाद इसे सत्ता का सक्सेस मंत्र मान लिया गया। यहां तक कि कांग्रेस भी इसी राह पर चली, हालांकि उसका रास्ता सॉफ्ट हिंदुत्व का था। कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी अध्यक्ष रहे राहुल गांधी की हिंदू छवि पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी के लिए दक्षिण बेहद अहम है, क्योंकि यहां पर लोकसभा सीटें हैं 132 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी केवल 29 सीटें ही जोड़ पाई थी। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अगर 400 पार जाना है तो दक्षिण को साधना ही होगा। भारतीय जनता पार्टी ये अच्छे से जानती है कि अगर हमारा बड़ा लक्ष्य साधना है तो दक्षिण के रास्ते जाकर हमें सीटों में इजाफा करना ही होगा। नरेंद्र मोदी भी ये मानते हैं कि दक्षिण के पद से होके ही 2024 के विजय पथ का रास्ता साफ होगा। क्या 2024 में डीएमके का किला ढहने वाला है? दक्षिण में अब की बार मोदी करेंगे चमत्कार। डीएमके के गढ़ में भगवा लहर का प्रचंड प्रवाह दिखाई देगा और सनातन विरोधी खंड खंड हो जाएंगे। मिशन दक्षिण की बागडोर अकेले पीएम मोदी ने अपने हाथ में थाम रखी है। दक्षिण का दुर्ग मजबूत है, लेकिन इसमें बीजेपी की एंट्री 2019 में ही हो चुकी है और इस बार सबकी नजर 2024 पर टिकी है। टारगेट दक्षिण है। बीजेपी अच्छी तरह जानती है उसे 370 सीटों के आंकड़े को हासिल करना है तो उसे दक्षिण में सनातन का वोट बैंक मजबूत करना होगा। तमिलनाडु की बीजेपी कैसे अपनी मजबूत पकड़ बना रही है, उसे समझने के लिए एक नाम को जानना जरूरी है और वो नाम है अन्ना मलाई का। उनचालीस साल के युवा नेता और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई तमिलनाडु की सियासत में छाए हुए हैं। जितनी पॉपुलैरिटी अन्नामलाई ने बटोरी है शायद ही किसी और सियासी लीडर ने बटोरी होगी। ।2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को महज 3.66% वोट मिले थे। आज वहां पार्टी दूसरे नंबर की दावेदारी पर दावा ठोक रही है। बीजेपी ने तमिलनाडु में हाल फिलहाल में जो हलचल मचाई है
उसके पीछे अन्नामलाई ही हैं। अन्नामलाई 2024 के लोकसभा चुनावों में तमिलनाडु में बीजेपी के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। पीएम मोदी की मौजूदगी में तमिलनाडु में अन्नामलाई की एन मक्कल यात्रा का समापन हुआ। इसी एक घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अन्नामलाई ने पार्टी के भीतर अपनी पहचान किस हद तक मजबूत कर ली है और तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके और हाल तक बीजेपी के साथ रहे एआईएडीएमके के नेताओं के माथे पर सिकन ला दी है। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में डीएमके गठबंधन ने 39 सीटों में से 37 पर जीत दर्ज की थी, जबकि एआईएडीएमके को केवल एक ही सीट पर संतोष करना पड़ा था। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन पार्टी एआईएडीएमके को 37 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि बीजेपी और पीएमके एक एक के स्कोर के साथ सिर्फ खाता ही खोल पाई थी। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से करीब 170 पर द्रविड़ वोटरों का सीधा असर है। राज्य की दो प्रमुख पार्टियां डीएमके और एआईएडीएमके दोनों ही द्रविड़ियन कॉन्सेप्ट को लेकर चलती हैं। पिछली एक सदी में ये फैक्टर कितना मजबूत हो चुका है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 55 साल से तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति करने वाली पार्टियां डीएमके और एआईएडीएमके की ही सरकार रही। मतलब ये कि तमिलनाडु में दो ही पार्टियों का वर्चस्व रहा है। बीजेपी वंशवाद के खिलाफ पूरे देश में अभियान चलाती रही है, लेकिन मौजूदा दौर में एआईएडीएमके कमजोर पड़ चुकी है। मोदी की रणनीति ऐसी ही कि तमिलनाडु में विपक्षी पार्टियों के कई नेता पाला बदल कर बीजेपी में ही शामिल हो गए। इन नेताओं में के वडिवेल, पीएस कंडास्वामी, गोमती श्रीनिवासन, पूर्व मंत्री आर चिन्नस्वामी, आर दुरैसामी, एम वी रत्नम, एस एम वासन, एस मुथुकृष्णन, पी एस अरुण, गुरुनाथन, वी आर जयरामन, बाल सुब्रमण्यम, चंद्रशेखर का नाम शामिल है। हालांकि इनमें से कोई तमिलनाडु राजनीति का बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन इस जॉइनिंग से मैसेज साफ है कि अब बीजेपी नेताओं के बीच एक्सेप्टेबल पार्टी बनती जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले 5 फरवरी को तमिलनाडु के चेन्नई में बीजेपी का चुनाव कार्यालय खोला गया। इस दौरान तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा था कि 2024 का लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक होगा। दक्षिण भारत की सियासत में पैर जमाने की जुगत में जुटी बीजेपी की रणनीति सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति और केंद्र सरकार की विकास योजनाओं के सहारे अपनी क्रेडिबिलिटी स्थापित करने के इर्द गिर्द नजर आती है। मिशन साउथ में बीजेपी का फोकस कर्नाटक और तेलंगाना के बाद अब तमिलनाडु पर है। तमिलनाडु से बीजेपी को उम्मीद नजर आ रही है तो इसके पीछे 2021 के विधानसभा चुनाव में 4 सीटों पर पार्टी को मिली जीत भी है। हालांकि तब बीजेपी ने एआईएडीएमके के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था और अब गठबंधन टूट चुका है। डीएमके तमिलनाडु की 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बीजेपी तमिलनाडु में 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एआईएडीएमके 34 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तमिलनाडु को लेकर बीजेपी ने रणनीति में बदलाव किया। बीजेपी ने तमिल प्रदेश को साधने के लिए पीएम मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी को केंद्र बनाकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बुनियाद तैयार की। साल 2022 में पहली बार काशी तमिल संगमम का आयोजन हुआ और इसके बाद दूसरे काशी तमिल संगमम का भी आयोजन किया गया। इस आयोजन में खुद पीएम मोदी ने भी शिरकत की। बीजेपी को 370 का आंकड़ा अगर पार करना है तो उसे अपनी स्ट्राइक रेट बढ़ानी होगी। दक्षिण के तट पर मौजूद हैं और यहाँ पर जहाँ हम मौजूद हैं उसे धनुष कोटी कहा जाता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और तब से अब तक लगातार दक्षिण के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावनात्मक रूप से जनता से दक्षिण की जुड़ना चाहते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है 400 पार और उसे पार करने के लिए नैया पार दक्षिण ही लगाएगा। और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है,
वो लगातार दक्षिण के दौरे पर है, रैलियों में आते हैं, भाषण देते हैं और कल्चरल सांस्कृतिक रूप से, आस्था के रूप से लोगों से जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कर्नाटक को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी दक्षिण के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर की पार्टी के रूप में देखा जाता है। और उसी बात को तोड़ने के लिए और आगे बढ़कर दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व स्थापित और बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी लगातार दक्षिण का दौरा, दक्षिण की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि दक्षिण क्या सिर्फ 400 पार के लिए ही महत्व है? अब आपको बताते हैं कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी अगर वर्चस्व अपना बनाती है, सीटें बढ़ती हैं, अगर सत्ता कायम करने में भारतीय जनता पार्टी के योगदान होता है दक्षिण से, तो बीजेपी को क्या मिलेगा और देश को क्या मिलेगा? देखिए, पहले जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र प्रभुत्व बढ़ेगा, उससे भी महत्वपूर्ण 400 पार के टारगेट के करीब आएंगे। उससे भी महत्वपूर्ण कि नरेंद्र मोदी अखिल भारतीय नेता के रूप में जाने जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी देश की पार्टी मानी जाएगी, उत्तर की पार्टी नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात का आप जिक्र करते हैं, आर्थिक बात का। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचना है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात करते हैं कि 2047 तक हमें विकसित देशों की सूची में शामिल होना है, तो दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार, अपना वर्चस्व कायम करना होगा। क्योंकि यही दक्षिण में देश की 20% आबादी रहती है, यहां पर विदेश का 35% आयात होता है, निर्यात होता है, पैसा आता है, यहीं से ट्रेड होता है, सबसे ज्यादा आईटी कंपनियां, जॉब ग्रोथ, तमाम चीजें यहीं हैं। तो ऐसे में दक्षिण को शामिल करना ही होगा सत्ता के लिहाज से, तभी जाकर जो तीसरी अर्थव्यवस्था का सपना है, जो 2047 का सपना है, वो पूरा हो पाएगा। लेकिन दिक्कत एक ही है, जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर में वोट मिलता है, उन मुद्दों पर दक्षिण में वोट नहीं मिलता। पीएम मोदी अपनी रैलियों में अब की बार 400 पार का नारा लगाते दिखते हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण तक सनातन के ध्वज वाहक बनकर जिस तरह पीएम मोदी 24 के समर में उतरे हैं, उनका फोकस मिशन साउथ पर सबसे ज्यादा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है द्रविड़ बनाम सनातन का मुद्दा। द्रविड़ आंदोलन की रीति ये बताने के लिए काफी है कि सनातन परंपरा से उनका किस हद तक का विरोध रहा है। द्रविड़ और सनातन के संघर्ष के मूल में भेदभाव और छुआछूत रहा है। सनातन को लेकर डीएमके नेताओं के तेवर हमेशा से आक्रामक रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीति में ब्राह्मणवाद और हिंदी का विरोध भी हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है। बीजेपी ने कई सालों से तमिलनाडु में सेंध लगाने की कोशिश की है, हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन इस बार मोदी का सनातन पद दक्षिण की सियासत में कोई करिश्मा कर सकता है, इसको लेकर तमिलनाडु की जनता भी समझ रही है।